लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग पर कई तरह के आरोप लगते रहे। विपक्षी पार्टियां अक्सर ईवीएम के मुद्दे पर आयोग पर सवाल खड़े करते आई है। विपक्षी दलों द्वारा आयोग पर सवाल उठाना स्वाभाविक है, क्योंकि यह देखा गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आयोग अधिकतर समय मौजूदा सरकार के नेताओं के खिलाफ आचार संहिता मामले में सख्त कार्रवाई करने से बचता रहा है। आयोग पर लग रहे आरोपों के बीच हाल ही में चुनाव आयोग ने एक फैसला लिया है। आयोग ने दो जगह से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को लेकर सख्ती दिखाने की कोशिश की है। आयोग ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसके तहत दो जगहों से चुनाव लड़ने और जीत के बाद एक सीट छोड़ने वाले उम्मीदवार से चुनाव में खर्च हुई सारी रकम वसूलने का प्रस्ताव है। इस संदर्भ में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने खत लिखकर केंद्र सरकार के सामने इस बारे में प्रस्ताव रखा है। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने सरकार से जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन पर चुनाव लड़ने की सीटों की संख्या को सीमित करने की मांग की है। इसके साथ ही आयोग ने सुझाव दिया है कि मतदान से 48 घंटे पहले तक प्रिंट मीडिया के लिए मौन काल लागू किया जाए। साथ ही टैक्स में छूट के प्रावधानों को सिर्फ चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों तक ही सीमित रखने की सिफारिश की गई है। आयोग की सिफारिश के मुताबिक पेड न्यूज प्रकाशित या प्रकाशित करने और झूठे शपथ पत्र दाखिल करने वालों को 2 साल की कैद की सजा दिलाने का प्रस्ताव है। चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक स्तर का खेल मैदान जरूरी है। यह केवल चुनाव में धन के प्रभाव को कम करके प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए चुनाव के संबंध में पेड न्यूज का प्रकाशन और एडिटिंग को भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में जोड़ा जाना चाहिए। सीसी ने एक कैलेंडर वर्ष में मतदाता नामांकन के लिए 4 कट ऑफ डेट्स की प्रस्ताव किया है। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को नए मतदाताओं का नामांकन का प्रस्ताव किया गया है। फिलहाल 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरे करने वाले वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने लिखा कि 2 जनवरी को 18 वर्ष का होने वाला युवा अपने नामांकन के लिए अगले वर्ष तक प्रतीक्षा करेगा, और क्योंकि युवा उस वर्ष चुनाव के लिए मतदान करने से चूक सकता है, इसलिए इसके लिए 4 कट ऑफ डेट तय किए जाएं। अब देखना यह है कि दो जगह से चुनाव लड़ने के संदर्भ में आयोग द्वारा लिया गया फैसला किस स्तर तक लागू होता है। साथ ही क्या चुनाव आयोग इस संदर्भ में पूरी तरह निष्पक्ष होकर निर्णय लेने के लिए समर्थ हो पाएगा। खैर, जो भी हो, चुनाव आयोग को इसके साथ साथ बैलेट पेपर से चुनाव कराने के बारे में भी महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। देश भर में बहुजन समाज से संबंधित अनेक घटनाएं घटित हो रही हैं। नेशनल दस्तक YouTube चैनल के माध्यम से लगभग सभी खबरों को आप तक पहुंचाना चाहता है। वीडियो की संख्या अधिक होने के कारण नेशनल दस्तक की टीम को एक ही YouTube चैनल पर दिखाना संभव नहीं है। सभी मुद्दों को जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम ने एक नया YouTube चैनल नेशनल दस्तक 2 के नाम से शुरू किया है। वास्तव में यह चैनल नेशनल दस्तक की एक कड़ी है। उम्मीद है आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें और बहुजन मीडिया को और भी मजबूत करेंगे। नए चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।